ठीक है, आपका चैनल मिल गया है ऋषभ। अच्छा ऋषभ, ठीक है, कंफर्म करो जरा, ये आपका चैनल है ऋषभ? कंफर्म करो, ये है आपका चैनल? यस सर, ठीक है जी ऋषभ, पूछिए क्या पूछना है आपको। चैनल मिल चुका है आपका, इस टाइम व्यूज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपका लेटेस्ट शॉट क्या है? जय श्री राम, भविष्य बताती हुई चिड़िया अयोध्या में। ठीक है, आपकी नीच क्या है पहले ये बताइए, किस तरह के शॉर्ट्स का आपका चैनल है? एडिटिंग का, एडिटिंग का चैनल है, तो यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग नहीं बताई गई है छोटे भाई। अगर चैनल आपका एडिटिंग का है तो यहाँ पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें आपने एडिटिंग के बारे में बताया हो। तो ना ही यहाँ पर कोई VFX एडिटिंग है, ना ही काइन मास्टर, ना ही रियल, ना ही इनशॉट, ना ही एडो प्रीमियर, कोई भी ऐसी एडिटिंग की वीडियो तो है नहीं। वीडियो एडिट करके डालना, अच्छा देखो वीडियो एडिट करके डालना ये कोई नीच नहीं होती है। एडिट करके तो किसी भी चैनल पर कैसी भी वीडियोज डाल दोगे तो ऐसे चैनल ग्रो नहीं होगा, और बाई चांस ग्रो भी हो जाएगा तो इससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर चैनल बनाना है तो पहले आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि हमको किस निश से रिलेटेड वीडियोस देनी है, किस टॉपिक पे हमको वीडियोस देनी है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको चैनल बनाना है, नाम भी वैसा ही रखना है, वीडियोस वैसे ही अपलोड करनी है। अगर बात करूँ तो आपके चैनल का नाम है सनातन भक्त, मतलब सनातन से रिलेटेड है। वीडियोस आपकी कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ बॉलीवुड के ऊपर है, कुछ कार की हैं, कुछ सनातन के ऊपर है, मिक्स कंटेंट हो गया, और आप एडिटिंग के ऊपर फोकस करो तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। आप ट्राई करो एक निश से रिलेटेड चैनल बनाओ, एक ही निश से रिलेटेड उस पर काम करो। चैनल आप मल्टीपल बना सकते हो लेकिन एक चैनल पर एक ही टॉपिक से रिलेटेड काम होना चाहिए तो अच्छे से ग्रो होगा। ये हो जाता है कभी कभी कि हमने चैनल बनाया, कोई ऐसी उधर इधर उधर की वीडियोज डाल दी, वो रैंक कर जाती है, पॉपुलर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका चैनल पॉपुलर हो गया है। वो सिर्फ वीडियो रैंक में जाती है, सिर्फ वीडियो की व्यूज बढ़ती है लेकिन चैनल आपका ग्रो नहीं होता है। तो एक निश पर आप काम करना स्टार्ट करो।